हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रुति और मैं यहां पर आती हूं बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज लेकर, सो दैट आप बिफोर परचेजिंग ही किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इन रिव्यूज को देखकर आपको हेल्प मिल सके और आपकी जो परचेज है वो हमेशा परफेक्ट हो सके। आप 100% तो नहीं बट 98-99% जरूर से एक प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। यस, देयर इज ऑलवेज 1% ऑफ एक्सेप्शंस कि थोड़ा सा यहाँ वहां वो चलता है कि आप पे ऐसा सूट किया, मुझ पे ऐसा सूट किया, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1% हमेशा रहता है। बट जी हाँ, जब एक 99% आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं तो जो आपका एक्सपीरियंस भी रहता है, बिलीव मी, वो ऑन सिमिलर बेसिस ही रहता है, आपको भी सिमिलर एक्सपीरियंस ही देखने को मिलता है। सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट द रिव्यूज जो यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ वो सभी प्रोडक्ट्स पहले ट्राई किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, एक्सपीरियंस किए जाते हैं, उसके बाद ही उनका रिव्यू मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ आप सबके लिए। स्टार्ट करते हैं आज के प्रोडक्ट रिव्यू को जो कि 100 बार को लेकर होने वाला है, एंड इफ यू आर अ सोप लवर तो आपके लिए ये एक मस्ट वॉच वीडियो हो जाती है। मैं अपने चैनल पे आज से पहले भी कई सोप के रिव्यूज लेकर आई हूँ बिकॉज आई एम पर्सनली अ सोप लवर एंड आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग सोप बार्स ओवर शॉवर जेल्स। अपनी अपनी पर्सनल लाइकिंग होती है, दिस इज वॉट आई लाइक। आज का हम सोप देख लेते हैं तो ये है फ्रॉम द ब्रांड मिराबेले। इस पर्टिकुलर ब्रांड के भी मैंने पहले सोप का रिव्यू दिया हुआ है, दैट वाज अ डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट सोप। और आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ ये एक सिनेमन बेस्ड वेरिएंट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांड। तो ये है मिराबेले का गोट मिल्क सिनेमन प्योरिफाइंग सोप और ये सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है। द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि ये हैंडमेड सोप्स बनाते हैं तो बिल्कुल ही सेफ है। हार्मफुल केमिकल, जैसे कि मैंने बता दिया कि इसमें सल्फेट एंड पैराबिन्स नहीं यूज किए गए हैं, टोटली सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप्स आल्सो। और इनका जो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट रहता है यानी कि गोट मिल्क, तो वो गोट मिल्क जो है वो ही अपने आप में कई सारे बेनिफिट्स कंटेन करता है फॉर स्किन। वो आपको माइल्ड एक्सफोलिएशन देता है, आपके जो एक्टिव एक्ने हैं उनको रिड्यूस करता है, स्किन पे इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करता है, आपका जो इवन स्किन टोन है उसे लाने में हेल्प करता है, यानी कि आपका अगर अनइवन स्किन टोन है, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, उसको इवन आउट करने में हेल्प करता है, आपका स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और मॉइस्चराइज्ड बनाए रखता है, आपके स्किन बैरियर को जो है हेल्दी बनाए रखता है, आपके स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको रिप ऑफ नहीं होने देता, उनको मेंटेन रखता है। तो यानी कि नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं सिर्फ गोट मिल्क के। अब बात कर लेते हैं जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है जो कि है सिनेमन। नाउ सिनेमन इज अ वेरिएंट, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें कई सारी प्योरिफाइंग प्रॉपर्टीज है, इसीलिए मैं कहूंगी कि ये पर्टिकुलर सोप जो है वो लोग मेजरली यूज कर सकते हैं जो एक्ने प्रोन रहते हैं, जिन्हें इन्फेक्शन रहता है, जिन्हें इन्फ्लामेशन रहती है, या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है ऑफ स्किन, तो आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए जरूर से जाएं, क्योंकि सिनेमन और गोट मिल्क दोनों ही एक्टिव एक्ने और इस पे इन्फ्लामेशन वगैरह पे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे पीछे जो है बैक पे आपको बाकी लिस्ट में मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले तो सिनेमन एसेंशियल ऑयल आता है और साथ ही साथ सिनेमन पाउडर भी इन्होंने यूज किया है इस पर्टिकुलर सोप में, फिर बाद में सनफ्लावर ऑयल है, गोट मिल्क और सोप पेस्ट। नाउ गोट मिल्क के बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, सनफ्लावर के भी ऑयल के बेनिफिट्स जो है अनगिनत है, मॉइस्चराइजेशन, एंटी एजिंग है, फाइन लाइंस रिंकल्स पर काम करता है, स्पॉट्स को रिकवर करने में हेल्प करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। सो इट हैज ऑल द वंडरफुल इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को ओवरऑल बेटर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिनेमन है वो जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिव एक्ने, कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, कोई भी आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है, आपकी स्किन अगर इरिटेटेड है तो इन सब को ठीक करने में हेल्प करता है, या फिर आपको ऑफ एंड ऑन होता रहता है तो अगर आप कुछ ऐसा यूज करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसी जो चीजें हैं आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो ये सारी थी डिटेल्स। अब इस पर्टिकुलर सोप की जो क्वांटिटी आपको इसमें मिलती है वो है 125 ग्राम्स की, और जो इसका MRP है दैट्स ₹185। डिस्काउंट की बात करो तो बहुत कम आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, बट जो इसका परचेज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके इसका जो सोप है वहां तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप Amazon पे जाके मिराबेले ब्रांड को सर्च करेंगे तो आपको सिनेमन वेरिएंट भी वहां पे मिल जाएगा। तो आउटर बॉक्स के बाद आपका जो सोप है वो इस तरीके से पेपर रैप में आता है, तो उसको जब आप खोलते हैं तो यू गेट दिस टाइप ऑफ सोप, आपको ऐसा सोप मिलता है, ठीक है।
एक नॉर्मल सा सोप है जो कि एक नॉर्मल फ्रेग्रेंस देता है, कोई भी इसमें बैड ऑडर या फिर कुछ नहीं। जैसे कई कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनकी जो फ्रेग्रेंस रहती है वो इतनी सूदिंग या फिर इतनी अच्छी नहीं रहती है, बट दिस इज अ सोप जो आपको ऐसी कोई भी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड नहीं करता जो आपको बॉदर कर सके। सो इट हैज अ सूदिंग लवली फ्रेग्रेंस। आपको जस्ट सिंपली लेना है, लेदर करना है अपने स्किन पर, तो आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, क्लीन करेगा, क्लियर करेगा, मॉइस्चराइज करेगा एंड विल प्रोवाइड ऑल द गुड बेनिफिट्स टू योर स्किन। तो अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं फॉर योर एक्ने प्रोन स्किन, फॉर योर इन्फ्लामेटेड स्किन, फॉर योर इरिटेटेड स्किन, डू कंसिडर दिस पर्टिकुलर सोप फॉर योर सेल्फ। और अपना एक्सपीरियंस इसको लगातार एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना यूज करने के बाद मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। बात करें मेरे फैमिली मेंबर के एक्सपीरियंस की, तो इट वॉज रियली वंडरफुल एंड दिस इज माई थर्ड परचेज फॉर दिस पर्टिकुलर वेरियंट। तो यही था मेरा आज का वीडियो और इसी सबके साथ इस वीडियो को करती हूं मैं यहीं पर एंड। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।